एपीआय रिस्पॉन्स असा असला पाहिजे सक्सेस और फेल्ड. लेट्स सी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स सक्सेस. जर का हा सक्सेसफुली सेव झाला तर सक्सेस गेला पाहिजे. अदरवाइज काही कंडिशन वाइज जर का हा रिस्पॉन्स फेल असेल तर रिस्पॉन्स आपला जो आहे तो फेल्ड झाला पाहिजे. असा मला इथे द्यावा लागेल यूजर साइन अप किंवा यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड. तर याच्यासाठी आपल्याला सर्व्हिस लेअर मध्ये एक मेथड डिक्लेअर करायची आहे जी बुलियन रिटर्न करेल. मी इथे लॉजिक लावणार की जर का ती व्हॅल्यू जर ट्रू असेल तर रिस्पॉन्स मी इथून सेंड करणार यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, आणि जर का फॉल्स तिकडून बुलियन व्हॅल्यू जर आली तर आपण देणार यूजर रजिस्ट्रेशन फेल असं. तर यूजर सर्व्हिस मध्ये आपण जी सिग्नेचर आहे ती आपण चेंज करणार आहोत. मेथड डिक्लेरेशन इथे रिटर्न टाइप जो आहे तो आपला बुलियन असणार आहे, आणि साइन अप यूजर, आणि हा जो डेटा घेणार आहे हा यूजर कडून डीटीओ घेणार आहे. तर आपण जो डीटीओ काल तयार केलेला आहे साइन अप डीटीओ, तो डीटीओ आपण इथे पास करणार आहोत. साइन अप डीटीओ आणि इम्प्लिमेंटेशनला याचं जे काही सर्व्हिसचं इम्प्लिमेंटेशन आहे इथे त्या मेथडला ओव्हर राईड करून घेऊया. सो कसं ओव्हर राईड करायचं, जस्ट क्लिक हिअर ऍड अनइम्प्लिमेंटेड सेव्ह सेव. सगळ्यात शेवटी बघा साइन अप युजरची जी एपीआय आहे ती आलेली आहे. सो सगळ्यात अगोदर तुम्ही जी काय इथे सिंपल जो आहे तुम्ही यूज करणार आहात हा जो डीटीओ आहे हा डीटीओ आहे, आणि तुम्हाला हा डीटीओ सेव्ह करायचा आहे यूजर या टेबलमध्ये. तुमच्याकडे रेपॉझिटरी अवेलेबल आहे यूजर रेपो नावाची, आणि इथे डॉट सेव्ह का, दॅट्स इट. पण याला लक्षात जर ठेवायला गेलं तर बेसिकली यूजर रेपो डॉट सेव्ह मेथडला काय पाहिजेत असतं तर चेक करा, त्याला एंटिटीचा ऑब्जेक्ट पाहिजेत. म्हणजे हा डीटीओचा ऑब्जेक्ट नाही तर त्याला एंटिटीचा ऑब्जेक्ट पाहिजेत. जर मी हा ऑब्जेक्ट इथे जर का साइन अप जर टाकला तर तो काय म्हणतोय तो चेक करूया. लेट्स सी काय एरर देतो तो चेक करूया एकदा. द मेथड सेव्ह यस इन द टाइप करंट रिपॉझिटरी हा क्लास, त्याला ऑब्जेक्ट जो आहे युजरचा ऑब्जेक्ट पाहिजे ना की साइन अपचा. युजर रेपो रिपॉझिटरी जे आहे सेव्ह मेथडला नेहमी रिपॉझिटरीचाच ऑब्जेक्ट पाहिजे. परंतु सागर आपल्याकडे कोणत्या टाइपचा ऑब्जेक्ट अवेलेबल आहे ज्याच्यामध्ये डेटा आहे? इथे कुठला हा साइन अप, हा इथे ऑब्जेक्ट जो आहे तो साइन अप डीटीओचा ऑब्जेक्ट आहे, आणि आपल्याला सेव्ह जर करायचा असेल तर याला एंटिटी कोणती, याला कोणता ऑब्जेक्ट लागेल, कोणत्या क्लासचा ऑब्जेक्ट पाहिजे तर चेक करा. इथे तुम्ही स्वतः दिलेला आहे त्याला कोणत्या क्लासचा ऑब्जेक्ट पाहिजे युजर, आणि तुझ्याकडे आता सध्या इथे सर्व्हिस लेअर मध्ये कोणत्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे, क्लासचं नाव काय काय, हे दोन्ही क्लास सेम आहेत, एंटिटी वेगळी आहे, डीटीओ हा वेगळा आहे, सेम नाही, त्याच्यामुळे हा काय देईल, एक एरर देईल. तो म्हणतोय की तुम्हाला याच प्रकारचा क्लासचा ऑब्जेक्ट करावा लागेल. सो बट
दोन वेगवेगळे क्लासेस आहेत, लक्षात ठेवा. दोन वेगवेगळे क्लासेस आहेत, पण त्याच्यामधल्या ज्या फील्ड आहेत त्या ऑलमोस्ट सिमिलर आहे. काय आहेत फील्ड ज्या आहेत त्या ऑलमोस्ट सिमिलर आहेत. मग आपण काय करू शकतो, आपण या साइनअप जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला कन्वर्ट करूया एंटिटीच्या ऑब्जेक्ट मध्ये. साइनअप ऑब्जेक्टला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, एंटिटीच्या ऑब्जेक्ट मध्ये. एंटिटी कोणती आहे आपली इथे? एंटिटी आहे आपल्याकडे युजर्स नावाचा. हे बघा, या नावाचा आपल्याकडे एंटिटी अवेलेबल आहे. या रेपोसाठी हा वाला एंटिटी अवेलेबल आहे. लेट्स सी, मी इथे एक ऑब्जेक्ट बनवतो. यूएस हा जर का तुम्ही ऑब्जेक्ट टाकला तर इथे काहीही एरर येणार नाही. बघा, आपण ज्या व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत त्या कशामध्ये घेतलेल्या आहेत, आपल्याकडे कोणत्या ऑब्जेक्ट मध्ये व्हॅल्यू आलेल्या आहेत, ऑब्जेक्ट कोणत्या टाइपचा आहे. आपल्याला साइनअप या ऑब्जेक्ट मध्ये आला, तो कोणत्या क्लास पासून बनवण्यात आलेला आहे, साइनअप डीटीओ मध्ये. पण ऍक्च्युअली सेव मध्ये तुम्हाला काय द्यावं लागेल, तर द्यावं लागेल तिथे तुम्हाला काय द्यावं लागतं, तिथे तुम्हाला हेलो हा संकेत पूछो, बोलो. एंटिटी सर, एंटिटी हाँ, आपको यहाँ पे सेव करने के लिए एंटिटी देना है, लेकिन आपका जो डेटा जिस ऑब्जेक्ट में है वो आपके पास डीटीओ है, अलग क्लास है. अभी मैंने ये बनाया है, ये यूएस नाम का जो है, यूजर एंटिटी नाम का लिख लेता हूँ मैं, इसे एंटिटी दे देता हूँ. ठीक है, इसे नाम देता हूँ एंटिटी, समझने के लिए. अगर मैं यहाँ पे एंटिटी डाल दूंगा तो चल जाएगा ये, लेकिन मुझे आप बताओ ये एंटिटी में डेटा कहाँ से आएगा. यहाँ पे तो ब्लैंक डेटा है. अभी मेरा जो डेटा सर रिसोर्स से आएगा ये इसमें आएगा. तो मुझे क्या करना है कि ये साइनअप ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो पूरा डेटा मुझे कॉपी करना पड़ेगा एंटिटी में. और फिर ये कौन करेगा, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है अवेलेबल, एक साइनअप वाला और दूसरा एंटिटी वाला. एंटिटी वाला एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन साइनअप वाले में है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक क्लास है बिन यूटिल्स करके, बिन यूटिल्स डॉट, एक मेथड है उसके अंदर कॉपी प्रॉपर्टीज. इसमें आपको दो चीजें डालनी होती है, एक सोर्स, एक डालना होता है आपको सोर्स, और दूसरा डालना होता है टारगेट. सोर्स मतलब जिसमें डेटा है वो यहाँ पे पास करेंगे, और साइनअप का डेटा हमें कौन से ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है, साइनअप ऑब्जेक्ट का डेटा हमने एंटिटी में कॉपी करना है. ये क्या करेगा, साइनअप का जितना भी डेटा है वो कॉपी करके किस में डालेगा, एंटिटी में डालेगा. दैट्स इट. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी ऑल वैल्यू वैल्यू फ्रॉम डीटीओ टू एंटिटी. क्यों करना पड़ा हमें ऐसे, क्योंकि क्लाइंट से कंट्रोलर से हमें डेटा जो आया वो साइनअप डीटीओ से आया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, और हम लोग डीटीओ सेव नहीं कर सकते. इसलिए हमने क्या किया, और एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर्स का, एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जिसमें हमारे पास साइनअप का डेटा है वो पूरा कॉपी करके एंटिटी में डाल दिया, एंड देन एंटिटी से हमने वो सेव कर लिया. तो जब सेव होगा तो हमें यहाँ पे उसका जो भी आईडी है वो मिल जाएगा, सेव्ड यूजर को. सेव्ड यूजर करके यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा. सेव्ड यूजर करके यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा. तो इस तरह से आप तो सेव करोगे, डेटा तो आपका बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी आपको और क्या क्या काम करने पड़ेंगे. सबसे पहले आपके पास क्या क्या डेटा है और क्या क्या डेटा पेंडिंग है, ये हम लोग अभी डिबग करके चेक करेंगे. मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, और सर्विस लेयर में
जो भी हमारा टेस्ट मेथड है उसमें उसे कॉल कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मेरी टेस्ट मेथड में यहाँ पे टेस्ट केस बना दूंगा। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? वॉइड, हाँ वॉइड टेस्ट एंड साइन अप, टेस्ट साइन अप के अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, एट द रेट टेस्ट यूजर सर्विस डॉट साइन अप यूजर, और यहाँ पे मुझे उसे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा साइन अप डिटो का। डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, साइन अप डेट, ईमेल, डेट, फर्स्ट नेम, मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सेट, लास्ट नेम, देखो यहाँ पे मैंने सेटर मेथड से ऑब्जेक्ट में डेटा फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है। सेट कंट्री आईडी 1L, साइन अप सेट स्टेट आईडी इसका भी 1 कर देता हूँ, साइन अप सेट सिटी आईडी, ये पूरा डेटा जो है मैंने भर दिया अभी यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं डिबग करूंगा उसे, लेट्स सी, स्टार्ट कर लेते हैं, डिबगर पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ से डिबग करेंगे। सेव यूजर पे नहीं जाना चाहिए था हमें, हमें साइन अप वाले यूजर को कॉल करना था, साइन अप यूजर। चलो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चेक करो साइन अप में आपके पास क्या क्या है, पूरा डिटेल आ चुका है यहाँ पे। अब जब मैं इसमें एंटिटी में जाने की कोशिश करूंगा, मैं नीचे F6 कर लेता हूँ, और एंटिटी में वो पूरा डेटा कॉपी होना चाहिए। तो देखो एंटिटी में कॉपी हुआ, कौन सा डेटा है जो नहीं क्रिएट हुआ? आईडी नल,
आईडी जो है ये हमारा ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, वो भी चेक कर लेंगे। देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेम्पररी पासवर्ड देखिए, टेम्पररी पासवर्ड भी नल है। तो सबसे पहले टेम्पररी पासवर्ड को हम लोग सेट करेंगे। कहाँ पे सेट करेंगे? हमें यही पे सेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक मेथड बनाई थी टेम्पररी पासवर्ड के लिए, उस मेथड का नाम हमने क्या बनाया था, सर्विस लेयर में ही हम लोगों ने वो मेथड बनाई थी, गेट, ऐसे गेट जनरेटेड जनरेटेड रैंडम जनरेटेड पासवर्ड। और हमें देना था कि कितने डिजिट का चाहिए, हमें चाहिए लेट्स सी 8 डिजिट का चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे कि 8 डिजिट का, आपको ज्यादा लेंथी लगेगा तो हम लोग 6 डिजिट का करेंगे। और ये जो पासवर्ड आएगा, ये जो पासवर्ड मिलेगा, टेम्पररी पासवर्ड समझ लेते हैं हम लोग समझने के लिए, और हम लोग वो सेट करेंगे आपके जो एंटिटी ऑब्जेक्ट है डॉट सेट टेम्प पासवर्ड, सेट टेम्प पासवर्ड। देन चलो यहां तक तो आ गया। अब इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। F6 ये तो जनरेट कर देगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आपने ये जो सर्विस है वो कंप्लीट कर दी है। सो आगे अभी चेक कर लेते हैं, डेटा भी सेव हो चुका रहेगा, लेकिन क्या आपको ईमेल मिला है? ईमेल भी आपको भेजना है, ईमेल भी आपको भेजना है। तो ईमेल भेजने के लिए आप जब साइन अप यूजर पे जाएंगे, साइन अप यूजर, तो यहाँ पे आपने सेट किया है टेम्पररी पासवर्ड, सेट टेम्पररी पासवर्ड। यहाँ पे आपने टेम्पररी पासवर्ड सेट किया। अभी आपको करना क्या है, बिफोर सेव, सेव होने से पहले आपको एक काम करना है कि सेंड ईमेल टू यूजर रजिस्टर्ड यूजर, ये हमें सेंड करना है। लेकिन किसके बाद? जब हमारा डेटा सेव होगा तो उसके बाद। अगर वो सेव हो गया तो ही हम लोग, अगर वो सेव हो गया तो ही हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा जो है ईमेल से भेज देंगे। तो यहाँ पे हमें ईमेल लिखना है, ईमेल भेजना है। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईमेल भेजने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या था उस मेथड का, ईमेल भेजने के लिए हम लोगों ने यूटिल्स में ईमेल लिखा है। चलो ठीक है, यूटिल्स ईमेल, यूटिल्स ईमेल यूटिल डॉट सेंड, ईमेल यूटिल डॉट, चेक कर लेते हैं उस मेथड का नाम क्या है यूटिल्स में, ईमेल यूटिल सेंड ईमेल, ईमेल यूटिल, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बाहर बनाया हुआ है इसलिए। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ईमेल यूटिल्स का, ईमेल यूटिल्स, ईमेल यूटिल्स इक्वल टू, या हम इसको ऑटो ऐड कर लेते हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे ईमेल यूटिल्स करके सेंड ईमेल मेथड को हम पास करेंगे।
तो अभी आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको टू कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा और बॉडी कहाँ से आएगी, ये कहाँ से बनाओगे आप, ये कहाँ से बनाओगे आप? टू का जो डेटा है, टू का जो डेटा है, ये जो ईमेल बनेगा एंटिटी में, जो ईमेल है वो आप पास करोगे यहाँ पे, करेक्ट? और सब्जेक्ट भी आपको जो चाहिए वो पास करोगे यहाँ से। बॉडी लेकिन कहाँ से आएगी आपकी, ईमेल की बॉडी? लास्ट टाइम हमने रीड किया है बॉडी के लिए, देखो लास्ट टाइम हमने रीड किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग कहाँ से आएगा वो भी बता देता हूँ। एंटिटी के अंदर जो गेट ईमेल है वो आएगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट एंटिटी डॉट, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो सब्जेक्ट आपको जो देना है आप दे सकते हो यहाँ पे, वेलकम ईमेल और रजिस्ट्रेशन लॉगिन डिटेल करके दे देते हैं, लॉगिन इंफॉर्मेशन। और बॉडी कहाँ से आएगी, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बॉडी जो है ये कहाँ से आएगी। तो बॉडी के लिए आप लोगों ने एक मेथड लिखी है, रीड ईमेल बॉडी टू अनलॉक करके, इसको हम लोग क्या पास करेंगे, एंटिटी पास करेंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप अगर आप चेक करोगे तो इसे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, यूजर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमारे पास यूजर्स का ऑब्जेक्ट जो है ये अवेलेबल है। सेव्ड यूजर ऑलरेडी जो सेव हुआ है वो भी आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस पे सेव होकर आया है, ये यहाँ पे आप पास कर दोगे, पास कर दिया ये आपने, और ये इसे रिटर्न क्या करके देगा, बॉडी रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे आप पास कर दोगे। अगर यहाँ से ये सक्सेसफुली, अगर ये यहाँ से सक्सेसफुली अगर रिटर्न हो जाता है, देखो ईमेल अगर यहाँ से सेंड हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपने डेटा सेव कर लिया है। तो आप यहाँ से जो सेंड ईमेल है अगर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है तो यहाँ पे आप सेंड ईमेल भेजिए, ये या तो ट्रू भेजेगा या तो फॉल्स भेजेगा, दोनों चीजें होगी, दैट्स इट। ये हुआ आपका बेसिक लॉजिक। तो अभी फिलहाल के लिए तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं, वन बाय वन करके इसे डिबग कर लेते हैं। डिबग एज यूनिट टेस्ट केस, नाउ F6, तो हम लोग डिबग करते करते चले जाएंगे वन बाय वन। यहाँ पे हमें डिबगर पॉइंट नहीं चाहिए, ओके कहीं तो भी एरर आ चुका है यहाँ पे दिया है इसने, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे कि एरर कहाँ पे आया हुआ है। सो लेट्स चेक, वापस से एक बार इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ईमेल फंक्शनलिटी में एरर आने वाला है क्योंकि मैंने जो लेस सिक्योर ऐप करना चाहिए वो नहीं किया है,
तो इसकी वजह से वो ईमेल ट्रिगर नहीं होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड देन एरर हो जाएगा, तो इसीलिए वो एक्सेप्शन दे रहा है। बिन की कॉपी हो चुकी है यहाँ पे, टेम्पररी पासवर्ड देखो क्या आया आपका, यहाँ से सेट भी हो चुका है, सेव होता है कि नहीं डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। दैट्स इट, आपका डेटा सेव होने में इश्यू दे रहा है आई गेस। इसने कहा है कि आपका जो आईडी है, इसने कहा है कि आपका जो आईडी है वो नल जा रहा है इसके अकॉर्डिंगली। तो अब इसका अगर आईडी नल जा रहा है तो आईडी क्यों नल जा रहा है, क्योंकि शायद से हम लोगों ने एंटिटी जो है एंटिटी में एट द रेट आईडी के साथ जनरेटेड वैल्यू नहीं दी है। तो हमें करना क्या होगा फिर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बीन ऑब्जेक्ट है, जो डीटीओ ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें टेस्ट केस से वो पास करना पड़ेगा मैन्युअली। तो हम लोग आईडी भी पास कर लेंगे, साइन अप, साइन अप डॉट सेट आईडी, सेट, यहाँ पे हमने बिन में तो वो आईडी लिया ही नहीं है, तो ठीक है हम लोग एंटिटी में डायरेक्टली सेट करते हैं एज ऑफ नाउ फॉर द टाइम बी, बाद में हम उसे ऑटोमेटिक बना देंगे, ऑटो जनरेटेड बना देंगे, या तो अभी ही हम लोग ऑटो जनरेट बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेते कि ऑटो जनरेट नहीं है क्या, देखो ऑटो जनरेटेड है नहीं, एट द रेट जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू और स्ट्रेटजी है हमारी ऑटो, ये रीजन था उसका, इसलिए मैं इसे किल कर देता हूँ, एग्जीक्यूशन किल कर दिया। लेट्स सी आगे देखते हैं कि क्या एरर आ सकता है। डिबग कर दिया, यहाँ पे आया F6 से नीचे, पासवर्ड जनरेट हुआ, पासवर्ड सेट हुआ, अभी चेक करते हैं कि सेव होगा या नहीं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जनरेट हो चुकी है और इंसर्ट की भी क्वेरी यहाँ पे चलनी चाहिए, तो इंसर्ट इनटू यूजर्स ये भी सेव हो चुका, लेकिन स्टिल नाउ अकाउंट स्टेटस तो हमने डाला नहीं तो वो नल जाएगा। ओके तो वो भी चेक करते हैं वन बाय वन, फिर F6 और जब बॉडी में जाएंगे इंटर करेंगे तो भी ये क्या देंगे यहाँ पे मैं और एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ एंड में, ये रिटर्न क्या करेगा ये चेक कर लेते एक बार। F6 ये चेंज तो कर दिया यहाँ पे, F6 ईमेल बॉडी यहाँ से रीड हो चुकी, ईमेल बॉडी भी आपने देख लेना एक बार, ईमेल बॉडी देखो ईमेल बॉडी में क्या जनरेट हुआ ये चेक कर लो करेक्ट से आ चुका है या नहीं एक बार, टेम्पलेट भी रीड कर लिया उसने और नाउ सेंडिंग के लिए अब ये क्या एरर देगा, सेंडिंग ने इसने क्या दिया, फॉल्स दिया, क्यों फॉल्स दिया उसे भी एक बार डिबग करके आप लोग चेक कर लो कि उसने फॉल्स क्यों दिया। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, दैट्स इट, ये देखो उसने क्या दिया यहाँ पे आपको एरर क्या दिया, वाइल सेंडिंग ईमेल एरर अकर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये वाला एरर दिया, बैड क्रेडेंशियल्स बोल दिया, तो मैंने क्रेडेंशियल्स तो पहले ही चेंज कर दिए हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड लर्न मोड, तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर दिया है तो ये नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको चेंजेस करके आप सेंड करोगे तो आ जाएगा आपके लिए।